What's up, beautiful people? This is Devanshu and Kalpesh. And today we have a trip with us. But we are also going to be here. We are always going to be here. And we are going to Kasol. We are going to travel from Mumbai to Kasol. But we are going to go first from Bombay to Chandigarh and Chandigarh to Kasol. Actually, the people who go from Delhi to Kasol, they have to go first from Bhuntar. Then we have to change the bus. But we will show you how you can travel in this video. बजट में बहुत ही अच्छी ट्रैवल कर सकते हो कसोल को पूरा तो और कसोल तो हमेशा की तरह वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बोर ना करते हो लेट्स गो काफी सारा व्हाट्सअप करने के बाद हम तीनों पश्चिम एक्सप्रेस से आधी सीटों पर सवार होकर निकल पड़े कसोल की ओर बेसिकली हमारी ये पीछे के सारे डब्बे जो हैं ये जाएंगे चंडीगढ़ और जो आगे की ट्रेन है ये यहीं पर रह जाएगी ये देखो यहाँ पे पूरा सेंटिंग अलग कर रहे हैं इन्होंने पूरा अनुक कर दिया है गाइस तो हमारा ट्रिप इतना बजटेड था कि हम गरीबों के लिए अलग से लाया गया एक गरीबों वाला इंजन और हमारे डब्बों को ले गया चंडीगढ़ हमारी मुलाकात हुई इन जनाब से ये बहुत ही कूल ओला ड्राइवर जो मिले हमें ले जा रहे थे जीरकपुर और मैं ये बता दूं कि जीरकपुर हम गए थे किसी काम के लिए तो इस वजह से ये जो रात का फुटेज आप देख रहे हो हम चले थे जीरकपुर से चंडीगढ़ रात को ISBT 43 कैसे बचे कितना फेयर होता है बेसिकली या क्या करना चाहिए आपके हिसाब से भैया मेरे हिसाब से तो ये चीज़ है बंदे को खुद के लिए सोचना चाहिए दूसरी बात अगर हम कुछ भी कन्वेंस करवाते हैं ना सबसे सस्ती पड़ती है ओला यूबर उससे सस्ता कुछ नहीं पड़ेगा कोई चोरी ठगी नहीं होगी कोई कुछ नहीं होगा बिल आपके फोन के ऊपर आएगा आप और रिक्शे से आना चाहे तो कितना फेयर होता है अगर किसी को आने तो एक अंदाज़ 200-300 अप ही करेंगे वो 200 डाउन नहीं होगा जी वैसे स्टेशन से यहाँ ISBT आने के लिए 100 ओनली ओके कैब पे चलो थैंक यू सो मच अच्छा लगा ओके ये सिर्फ जान देगा लेकिन खुद नहीं लेके आएगा अपना तौलिया चड्डी ब्रश सब भूल गया है मैं सब लेके आया हमने बॉम्बे से ट्रैवल करा था पश्चिम एक्सप्रेस से हम आए थे चंडीगढ़ जिसका हमारा टोटल फेयर हुआ 700 रुपये स्लीपर का टिकट और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से ISBT सेक्टर 43 आने के लिए आपको फेयर लगता है ना 120-130 ओला में बट हम कहीं और गए थे और कहीं और से आए हैं कुछ काम की वजह से आप डायरेक्टली ओला करके आ सकते हो रिक्शा अवॉइड करना कि रिक्शा वाले लोग ज़्यादा फोर्स करते हैं और यहाँ से हम बस पकड़ेंगे कसोल के लिए तो डायरेक्टली कसोल जाएगी और उसका बस फेयर कितना क्या होगा वो डिटेल मैं आपको आगे बता दूँगा वहाँ का रोड कैसा है वहाँ का खाना कैसा है वहाँ का घर कैसा है मतलब ये बात में विस्की तो नहीं चाय की चुस्की जरूर मिलेगी सो गाइस अभी हम बैठ चुके हैं ये चंडीगढ़ 43 से ISBT से कसोल के लिए हमें इंडिविजुअली चार्ज किया हुआ 510 रुपये तो अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी एक बार रोलर कोस्टर की राइड लेनी है तो एक बार ज़रूर चंडीगढ़ ISBT से कसोल के लिए HRTC की बस ज़रूर पकड़ें फोटो इधर उंगलियां जम रही है तेरे को फोटो की पड़ी है तो देखना वो तो क्या गोल्डन लग रहा है फ्रिक क्या क्रेजी है गाइस वो देखो पूरा गोल्डन ऐसा लग रहा है सोना हो ये देखना तुम देखिए इसमें देख देख कैसा लग रहा है सोने जैसा लग रहा है गाइस दिस गाइस दिस पीपल आर फ्रॉम तमिलनाडु व्हाट्स योर नेम दिस फ्रॉम केरला व्हाट्स योर नेम एंड यू सो यू आर गोइंग विद अस टू खीरगंगा या और कुछ कर
पुष्कर अरे ग्रेट फिर तो भाई दो जन ज्वाइन हो चुके हमारे साथ तो दिस पीपल आर गोइंग टू बी इन व्लॉग टू पहुँच चुके हैं कसोल जो बस से हम आए थे चंडीगढ़ से उसमें हमें कसोल के मिड चौक पे उतार दिया है सेंटर पॉइंट पे अभी हम यहाँ से थोड़ा कुछ चाय वगैरह पियेंगे फिर बाद में होटल पे जाएंगे चाय पियेंगे वगैरह चाय वगैरह नहीं चाय पियेंगे की हालत देखो